मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूँ विनय कछु आपकी, हूँ सब ही विधि दीन। श्रद्धा के ये पुष्प कछु चरणन धरी संभार, कृपा सिद्ध गुरुदेव प्रभु कर लीजे स्वीकार। नीम करोली बाबा। दोस्तों, विराट अनुष्का हो या एप्पल के फाउंडर या फिर गूगल के मालिक, सभी इनकी भक्ति में लीन हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नीम करोली बाबा की। इनकी कुछ जानकारी और कुछ ऐसे चमत्कार हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं नीम करोली बाबा के चमत्कार के बारे में। बाबा माँ गंगा मैया के दर्शन के लिए टूंडला से फरुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक ने उन्हें बेइज्जत करके रास्ते में ही ट्रेन से उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपना चिमटा वहीं जमीन में गाड़ दिया, लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चलता ना देखकर ट्रेन के गार्ड, ड्राइवर व टिकट निरीक्षक को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना से विनती की, वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए दो शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण है। यह वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गईं। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया का स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज भी नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोली पर गया। ट्रेन रोके जाने की घटना विश्व प्रसिद्ध हो गई, जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा उनके गांव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा, चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं, हमारा बेटा कहाँ है, वह कब तक आएगा। उसी अपेक्षा में वह नीम करोली धाम पहुंचे, जहां अपने बेटे को नीम करोली बाबा के रूप में पाकर खुश हो जाते हैं। उन्हें आदेश देते हैं कि वह घर चलकर गृह जीवन व्यतीत करे। यूं तो नीम करोली से कई जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हैं, चमत्कार वह रहस्यमय घटनाएं जिन्हें जानकर आप आनंदित व विस्मित हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। नीम करोली बाबा गृहस्थ जीवन कैसा था, चलिए जानते हैं। बाबा नीम करोली पिता के आदेश पर 10 वर्ष बाद अपने गांव अकबरपुर वापस आते हैं। उनके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। इस पर बाबा पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं, मैं अपने गृहस्थ जीवन का पूर्णतः उत्तरदायित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही मैंने जो समाज सेवा का कार्य शुरू किया है उसे भी जारी रखूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, बेटा मुझे जन कल्याण के कार्य से कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन बस घर आते जाते रहो। बाबा उनके दिल की बात को समझते हुए उनको वचन देते हैं कि वे ऐसा ही करेंगे। फिर 1925 में बाबा को सुपुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अनेक सिंह शर्मा रखा जाता है। इस बीच बाबा का नील करोली में आना जाना बना रहता है। 1917 से 1935 तक बाबा नील करोली में तपस्या करते हैं। फिर 1935 में एक भव्य यज्ञ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा अपनी जटाएं त्याग देते हैं। उनके धर्म कार्य और गृहस्थ कार्य दोनों साथ साथ चलते हैं। 1937 में उन्हें दूसरे पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा जाता है। वो आजकल वृंदावन आश्रम की देखरेख करते हैं। फिर 1945 में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम गिरजा देवी रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई और बताई गई नील करोली बाबा के चमत्कारों से आप जरूर वाकिफ हुए होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।